फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, उसके बाद में मैं जब ये संस्था के साथ में जुड़ा तभी मुझे पता चला कि ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या इसका महत्व है। आज तक हम लोग अपनी ज़िंदगी तो जी रहे थे और ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे। तो ये संस्था के आने के बाद में इनका जो एक फाउंडेशन डे में मैं गया था लास्ट ईयर, तो वो लास्ट ईयर जो फाउंडेशन डे तो मुझे तब मालूम पड़ा कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। भले हम इतने साल पढ़े, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, सब जगह हमको ये सब चीज़ सिखाई नहीं गई कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो ह्यूमन राइट्स आने के बाद में हमें सब पता चला और ये जो शिक्षा है हम अपने सीनियर्स से लेके आगे हम लोग पास ऑन कर रहे हैं अदर जनरेशन से, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले। क्योंकि पास ऑन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको जो चीज़ नॉलेज आई है आपको ह्यूमन राइट्स में, तो मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ अपने हिसाब से, मेरे फ्रेंड्स के अंदर, मेरे रिश्तेदारी के अंदर, सब जगह में मैं स्प्रेड कर रहा हूँ कि आपको आपके ह्यूमन राइट्स तो मालूम होने चाहिए। क्योंकि सिविक जो है कुछ हद तक पढ़ाई गई है स्कूल में और उसके आगे कुछ नहीं मालूम। आज आपके सिविक राइट्स से वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो मैं संस्था के साथ में इसमें इसलिए जुड़ा कि तब मुझे मालूम पड़े कि मेरे राइट्स क्या है। क्योंकि अगर मैं इस देश में वोटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे राइट्स क्या है, मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वही मुझे पता नहीं है। तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में काउंसिल्स में इसमें जुड़ा ताकि एक एक ये ऐसी एक संस्था है जो पूरी वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड की संस्था है, मैं कोई भी देश में चले जाऊँ तो मुझे सहायता करने के कोई ना कोई बंदा मेरे लिए खड़ा रहेगा। ये IHRC इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से ही मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। थैंक यू। बस।